के बिहारी लाल की जय, बोलो राधा मैया की जय, राधे 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 राधे। आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्याम के कुंडल जल काला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन सन अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाड़े बनवारी, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गोवर्धन पूजा के और अन्नकूट के शुभ अवसर पर आप सभी को बधाई। और ये है कृष्ण जी का स्पेशल टेस्टी वाला भोजन प्रसाद। और हम निकल रहे हैं सुबह सुबह बांके बिहारी लाल के दर्शन करने गोवर्धन पूजा वाले दिन। तो आओ हमारे साथ साथ, आपको भी दर्शन कराते हैं बांके बिहारी के। और गोवर्धन पूजा का दिन है, वहाँ कैसा होगा हमें नहीं पता, लेकिन जाके ही पता चलेगा। आज रोज एकदम खाली है, सुबह सुबह का समय है, तो चलो चलते हैं। एक्सप्रेसवे से हम जा रहे हैं, यमुना एक्सप्रेसवे सबसे अच्छा और फास्टेस्ट रूट है अगर आप बांके बिहारी वृंदावन जाने के लिए, तो आप भी यमुना एक्सप्रेसवे से ही जाएं। अन्नकूट गोवर्धन पूजा कृष्ण जी का बहुत ही प्रिय त्यौहार है, इसे दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। इस बार ग्रहण की वजह से एक दिन बाद मना रहे हैं, और हम जा रहे हैं और यहाँ रास्ते भर में दिवाली के बाद इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि मास्क लगाने की ज़रूरत पड़ गई। तो हम जा रहे हैं वृंदावन, और आज है वीक डे, मिड ऑफ द वीक, वेडनेसडे को। तो ऑलमोस्ट यहाँ मैंने देखा, जब हमने रुके हैं ब्रेक के लिए, खाली बड़ा हो यार, आज वीकेंड्स पे हम आते हैं तो भरा रहता है, और वीकडे में कोई नहीं। भास्कर आज क्या बात है, कोई है ही नहीं यहाँ पर? आज कोई नहीं है, लेकिन मज़ा अलग ही लेवल का है यार। ये भी ना शांति वाला माहौल है, फुल ऑन मज़ा, फुल ऑन मज़ा तो है, लेकिन ना थोड़ा अच्छा लगता है। चाय रेडी हो गई, चाय ले ले पहले अपने जाके यार। हाँ, मैं हमारा ट्रिप शुरू नहीं था, पहले तो भूख लग जाती है, नींद आ रही थी, सुबह सुबह उठ गए थे जल्दी, और अब मिडवे में रुके हैं तो कम से कम एक कॉफ़ी तो बनती है, तो कॉफ़ी ब्रेक। तो एक्सप्रेस वे शुरू करते ही टॉल से पहले जो हम वो रेस्टिंग एरिया था, हम वहाँ पे रुके थे। तो इनिशियली हमारा वहाँ पे जो आया था, हमें लगा था कि रश नहीं है, लेकिन यहाँ देखो धनाधन रश लगा हुआ है। एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मेड प्लेस जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं। आपको भी दिखाता हूँ मैं, इट सीम्स टू बी लाइक अ जापान, मिनी जापान काइंड ऑफ अ थिंग। एंड बर्गर किंग यहाँ पे है आपका, स्टारबक्स है, सो यू हैव गॉट प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस टू हैव फूड। अगर आपको सुबह सुबह कुछ खाना है, लाइट खाना है, सांभर डोसा सांभर वड़ा, तो स्टारबक्स है यहाँ पे, राधाज है, मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा चेंज। स्टारबक्स की अगर आप फैन है तो आपको स्टारबक्स मिलेगा, ये राधाज है, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ नॉर्थ इंडियन क्यूजीन मिलेगा। देन यू हैव गॉट दिस मूर्तिज साउथ इंडियन, एंड द अल्टीमेट बर्गर किंग फॉर ऑल द बर्गर लवर्स। तो आप कहीं जा रहे हैं एक्सप्रेस वे जा रहे हैं, तो यू वॉन्ट फाइंड एनी डिफिकल्टी इन फाइंडिंग गुड फूड, एवरीथिंग इज अवेलेबल। जो भी आप चाहते हैं, देसी चाहते हैं, बर्गर चाहते हैं, पिज्जा चाहते हैं, डोमिनोज इसके साथ में डोमिनोज है, एंड सी हाउ वेल मैनेज दिस प्लेस इज। तो जैसे कि आप जानते हो, गोवर्धन पूजा है आज, अन्नकूट है, ये हुई थी प्रथा शुरू जब श्री कृष्ण ने वृंदावन में, गोकुल धाम में जब कृष्ण जी रहते थे, तो वहाँ पर सब लोग ब्रजवासी इंद्रदेव के लिए यज्ञ रचाया हुआ था, कि इंद्रदेव वर्षा के देवता होते हैं, इसलिए उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। तो जब उन्होंने यज्ञ रचाया, तो कृष्ण जी ने अपने पिताजी से पूछा कि ऐसा क्यों रहा है, और आप क्या बोलते हैं, गोवर्धन की पूजा क्यों नहीं करते, जो कि हमारे को यहाँ पर सब चीज़ों में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमारे को यहाँ पर रहने की जगह दी हुई है। तब कृष्ण जी के ऐसे आग्रह करने पर ब्रजवासियों ने इंद्रदेव का यज्ञ छोड़कर गोवर्धन की पूजा करनी स्टार्ट करी, इसलिए गोवर्धन की पूजा कर रहे थे। तो इंद्रदेव को ये पसंद नहीं आया कि उनकी पूजा छोड़कर किसी और की पूजा क्यों की जा रही है, जबकि उनका यज्ञ चल रहा था। इसलिए उन्होंने मूसलाधार बारिश करी, 7 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश होती रही, और तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर सारे ब्रजवासियों को उसके नीचे शरण दी, जिसकी वजह से सबने गोवर्धन पूजा की विधि स्टार्ट करी, और तब से गोवर्धन पूजा स्टार्ट हुई है। और श्री कृष्ण को ही गोवर्धन का दूसरा रूप माना जाता है, और तब गोवर्धन को उन्होंने अन्नकूट खिलाया,
बहुत सारा भोजन खिलाया, उसे अन्नकूट कहते हैं। अलग अलग तरह के व्यंजन बनवाए गए और सबने उनको खिलाया, तो ये होता है अन्नकूट। तो ये थी अन्नकूट और गोवर्धन पर्वत की महिमा, और भी बहुत सारी ऐसी कृष्ण जी से जुड़ी हुई कहानियां हैं। तो आप भी मेरे साथ आगे बढ़ते हुए चलिए, देखते हैं आज वृंदावन में कैसा माहौल होता है और आपको दर्शन करवाते हैं बांके बिहारी के। जय श्री राधे। ये टॉल पे फिर अटक गया, जब जाओ रास्ते में तो ऐसी जगह कहाँ रुक लेते हैं, टॉल खराब हो जाता है। टॉल इसलिए खराब होता है कि मैं बर्गर खा लूं और पेप्सी का एंजॉय कर लूं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेट अब तेरे को लेट नहीं हो रहा, हमारे को बोल रहा था तू लेट यार, टॉल की लाइन लगी हुई है, कौन सा मैं स्पेशली रोक के चल रहा हूं। तो हम कर रहे हैं वृंदावन की मोड़ में एंटर, और यहाँ से शुरू होता है एक्सप्रेस वे से हमारा, बिल्कुल कट से ही वृंदावन आ जाता है। ये बहुत ही अच्छा और साफ़ सुथरा रास्ता है, आप सीधा सीधा एक्सप्रेस वे से जाइए, रास्ते में आपको खाने पीने और वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी मिलेगी और वृंदावन आप पहुँच जाएंगे 3-3.5 घंटों में। और ये देखिए ये ट्रक मुझे बहुत डरावने लगते हैं, जो इतना सारा भूसा और ये सब भर के लेके जाते हैं, पता नहीं चलता कब गिर जाए साथ में। और यहाँ भी एंटर करते ही वृंदावन की गलियों में शुरू हो जाता है एकदम ट्रैफिक सा जाम, क्योंकि आज है गोवर्धन पूजा का बहुत बड़ा दिन, तो ट्रैफिक जाम है। और आप देख सकते हैं धूप इतनी ज़बरदस्त हो रही है इस मौसम, मतलब अक्टूबर एंड में भी धूप इतनी ज़्यादा हो रही है। मास्क और ये ऊपर स्टोल लेके चल रही हूँ। और यहाँ पर आप एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, मांगने वाले बहुत लोग होते हैं, उनसे सावधान रहिए, चश्मे को प्रोटेक्ट करके रखिए, क्योंकि जो यहाँ के मंकीज़ हैं वो आपके चश्मे ले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे में एक बार चश्मा लेके जा चुके हैं, तो अभी मैंने चश्मा लगाया है, बस मैं उतारने वाली हूँ। और यहाँ से आपको मैं बता दूँ कि गलियाँ ही गलियाँ हैं, तो अपनी कार को पार्किंग में लगा दें, जौन सी पार्किंग आपको मिले उसमें लगा दीजिए, क्योंकि कई बार अगर आप वीकेंड्स पे आ रहे हैं या किसी ऐसे बड़े दिन आ रहे हैं तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा हैवी रश मिलता है। हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इतना रश मिलने वाला है, हमें लगा गोवर्धन पर्वत पर रश होगा, लेकिन यहाँ बांके बिहारी में भी बहुत रश है। ये छोटी छोटी गलियों के बीच में से आपको निकल के जाना पड़ेगा, अगर आप चल सकते हैं और चलने में सामर्थ है तो आप चल के जाइए, अदरवाइज़ प्रेफर करिए कि आप रिक्शा ले लीजिए और रश में ना आए। वैसे तो वीक डे में आओगे तो सही रहता है। और अब ये आ गया है बांके बिहारी मार्ग, ये देखिए कोई अपने घर से कृष्ण जी लेके आए हैं और कृष्ण जी को अपने साथ ही बाहर मथा टिकाने के लिए बांके बिहारी लाए हैं। ऐसे राधे राधे लगाने वाले आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, इन्हें आप पैसे दीजिए, बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपकी श्रद्धा हो वैसे देना। ये देखिए आज रास्ता पूरा बंद था, तो हमें पता नहीं कौन सी छोटी छोटी गलियों से निकाल के लेके जा रहे हैं, और ये लाइन लगी हुई है। और अब फ़ोन रखने वाले अंदर, अब निकाला है मैंने फ़ोन, और ये देखो बांके बिहारी मंदिर के अंदर की भीड़, बांके बिहारी के दर्शन हो जाए। देखो बांके बिहारी लाल की जय, एक झलक मिल पाई बांके बिहारी की। देखिए अगर अभी पर्दा हुआ हुआ है, अभी आप ध्यान से देखना, आपको बांके बिहारी के दर्शन ज़रूर होंगे। बहुत मुश्किल से मैं दर्शन ले पाई हूँ, इतनी ज़्यादा रश आप देख सकते हो, कितनी भीड़ है, कितनी ज़्यादा भीड़। जय हो बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। ये आपके लिए बहुत प्यारे दर्शन बांके बिहारी में, अगर आप कर पाए तो करना, जूम करके देखना, और बहुत ज़्यादा रश है। ये देखिए यहाँ पर आपको बहुत तरह तरह के व्यंजन, बहुत सारी मिठाइयाँ मिलेगी, तो आप आओ तो ब्रज का भोजन ज़रूर करना, कुछ ना कुछ ज़रूर खा के जाना। यहाँ पर टिक्की वगैरह बहुत फेमस है, ये प्रसाद के रूप में माना जाता है। और अब देखिए ये क्या, एक छोटी सी लड़की गले में अजगर डाले खड़ी हुई है, फ़ोटो खिंचवा रही है उसके साथ। और ये देखो ये देखो देखो कैसे कर रही हैं ये वाली आंटी, मैं तो देख के हैरान थी। और रश देखो आप कितना ज़्यादा है, अगर ऐसे कोई फेस्टिवल वाले दिन आ रहे हो और आप असमर्थ हो तो मत आइएगा। हम तो खुद ऐसे प्रेफर नहीं करते, ये हमारा इंस्टेंट प्रोग्राम बना जिसकी हमें कुछ आइडिया नहीं था और हम यहाँ पहुँच गए। इतने रश के बाद दर्शन हो ही गए, कैमरा भी थोड़ा सा ऐसे हो गया। कैसे हुए दर्शन भास्कर? बहुत धक्का मुक्की के बाद मैं तेरे को अंदर आने के लिए कह रहा था, पहले तू अंदर नहीं आ पाई, फिर अंदर चली गई तो तू अंदर पहुंच गई। फिर मैं पूरे अच्छे से दर्शन कराई, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए तो बिहारी और धक्का मुक्की बहुत। तो कोई आप पीक देश में बताइए, अगर आप आ रहे हैं तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप धक्का मुक्का खा सके। आज तो भगवान अपने आप हिम्मत देते हैं धक्के खाने की। आज है कार्तिक मास का गोवर्धन पूजा का दिन और वो स्पेशल कृष्ण जी का दिन है, और हम बाय चांस आज आ ही गए दर्शन करने। दर्शन बहुत प्यारे हुए लेकिन रश बहुत ज्यादा है, ओवर क्राउडेड है। और वैसे तो वीकडेज में रश नहीं होता इतना ज्यादा, लेकिन आज बहुत ज्यादा रश है। और वीकेंड्स में अगर आप आ रहे हो तो आप ट्राई करना कि ऐसे मजबूती के साथ आए। इतना रश था, सब अलग अलग पहुंचे, हमने एक जगह डिसाइड कर दी थी यही सब मिलेंगे, सब आ गए, पापा भी नहीं आए।
चलो अब हम ढूंढते हैं पापा को पहले ढूंढ ले और फिर आगे लग रही है और पेड़ पूजन करे उसके बाद क्योंकि वृंदावन है तो वृंदावन का मिष्ठान खाना देखो ऐसे धक्के मुक्की करके कि फोन तक नहीं निकाल पाए। पूरे देश से दुनिया से लोग आए हुए भीड़ ही भीड़ लेकिन भीड़ में होता हुई बांके बिहारी जी की कृपा इतनी रहती कि दर्शन होता जब बांके बिहारी लाल की राधे राधे। अब हम खा रहे हैं आलू पूड़ी। ब्रज आके आलू पूड़ी तो बनती है, यूपी की फेवरेट चीज़ें हैं ये सब। लोकल फूड, लोकल स्ट्रीट फूड टेस्ट करके बताने कैसा है। तो यहाँ पे हमारी आलू टिक्की अवेलेबल थी और वृंदावन आओ और आलू टिक्की ना खाओ वो तो हंड सकता हूँ। स्पेशली आलू टिक्की ढूंढ के लाओ और ये हमारी स्पेशल केसर वाली लस्सी, कहते हैं राधा बिना कृष्ण अधूरा है वैसे ही लस्सी बिना वृंदावन अधूरा है। जय श्री कृष्णा। तो आप लोग आए हैं गुजरात से, गुजरात के तो फेवरेट कृष्ण जी होते हैं। हाँ, वहाँ पे सब लोग गोपाल जी सबको एक दूसरे को जय श्री कृष्णा से ग्रीट करते हैं। हाँ जी, तो बहुत द्वारकाधीश तो हम वहाँ पे द्वारकाधीश तो गए हुए हैं। ब्लॉग अभी हमने डाला ही है तब हमने ब्लॉग चैनल स्टार्ट नहीं किया था। अच्छा, अब दोबारा द्वारकाधीश जाएंगे और फिर से द्वारकाधीश का ब्लॉग बनाएंगे। कैसे दर्शन हुए आपके? बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत। तो आप आज स्पेशली गोवर्धन पूजा वाले दिन आए थे या वैसे ही यहाँ पे आए हुए थे? नहीं, हम ऐसे ही आए हुए थे। दस दिन की छुट्टी है आप लोगों की। आपको कैसा लगा आज? काफी रश था? दर्शन अच्छे हुए? हाँ, बहुत अच्छे। और यहाँ का खाना ब्रज का अच्छा लगा? बहुत अच्छा। हम तो हर बार यहाँ आते हैं, यहीं से खाते हैं। अच्छा, चलो बढ़िया हो गया। ये तो बढ़िया पान बना के खिलाओ। भैया ने मीठा पान बना दिया मेरे लिए, इन्होंने पैक करवा लिया क्योंकि मैं लस्सी पीने में मगन था। तो अभी पान आ गया है। भैया क्या क्या डाला है इस पान में, ये क्या क्या चीज़ें हैं? यह खट्टा चूना पान का पत्ता है, लच्छा है, चेरी है, गुलकंद है, लाइची है। चेरी, चेरी भी डाल रखी है? हाँ जी। अब ये खा के पता लगेगा कि पान में सब कुछ चीज़ें है कि नहीं है। तो ये पान ले लिया है, ये देख सकते हैं आप पान में। रिफ्रेशिंग, मज़ा आ गया पान खा के। जहाँ पे आप पार्किंग करेंगे गाड़ी वहाँ से आप वृंदावन बांके बिहारी मंदिर तक जाएंगे तो आपको अनेक प्रकार के मंदिर मिलेंगे। कोई गिरिराज पर्वत, गिरिराज महाराज का पर्वत होगा, गोवर्धन जिनको कहते हैं गोवर्धन पर्वत होगा, कोई माता रानी का मंदिर होगा। आप पीछे देख सकते हैं वहाँ शिव जी का भी मंदिर है। तो आपको विभिन्न प्रकार के मंदिर दिखेंगे, मथा देखते हैं, आगे बांके बिहारी के दर्शन करते रहिए। जय राधे। जमीन का पानी, मिनरल वाटर, शुद्ध पानी और बर्मा न्यूट्रिएंट्स। बर्मा कहाँ मिलता दिल्ली में? आनंद आ गया। गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है आज, गोवर्धन पूजा वाले दिन अन्नकूट होता है और हम आए हैं वृंदावन बांके बिहारी के दर्शन करने। बांके बिहारी लाल की जय। और इतना रश मैं आपको बता नहीं सकती। कैसी हालत में आपको देखा व्लॉग था और अब ऐसी हालत हो गई है। लेकिन सब लोग इतने आनंदमय दर्शन करके इतने अच्छे दिन में बांके बिहारी की कृपा है जो उन्होंने हमें दर्शन दिए। आप भी राधे राधे करें और कमेंट करें और अपना प्रेम, अपना पूजा कृष्ण को, बांके बिहारी को पहुँचाएं।